वितर के बाद क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? सुना है कि वितर पढ़ने के बाद कोई भी नफिल पढ़ना मकरूह है, क्या तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ सकते? बिनते तालिब कराची से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इजअलू आखिर सलातिकुम वितरा, वितर को सबसे आखिरी नमाज बनाओ। इस बेस पर बहुत से उलमा की राय है कि वितर सबसे आखिर में पढ़ना चाहिए और वितर के बाद कोई नफिल नहीं है, और हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह का मौक़िफ भी यही है, और अहसन अल फतावा में इस पर बड़ा ज़बरदस्त मुदल्लल रिसाला भी है। लेकिन नाजायज़ कोई भी नहीं कहता, यानी अफजल है कि वितर सबसे आखिर में पढ़े जाएँ, लेकिन वितर अगर किसी ने पहले पढ़ लिए तो उसके बाद भी नफिल पढ़ना भी जायज़ है और नमाज पढ़ना भी जायज़ है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, नाजायज़ नहीं है। अफजल है, अफजल कि सबसे आखिर में, नाजायज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित है सही सनद से कि आपने वितर के बाद दो रकत पढ़े हैं, तो राजे यही है कि वो दो रकत भी वितर से पहले पढ़ लें आप, लेकिन कोई पढ़ ले तो नाजायज़ नहीं है। ख़ास तौर पर जिसको ये उम्मीद ना हो कि तहज्जुद में मेरी आँख खुलेगी, वो अगर वितर छोड़ के सो जाएगा और रात को आँख ना खुली तो वितर कज़ा हो जाएंगे, और वितर की नमाज़ वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है इस बारे में, मल्लम युतिर इन अल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वही अलवितर, अल्लाह ने एक और नमाज हमारे लिए बढ़ा दी और वो वितर है। तो वितर के वजूब के बड़े मजबूत दलाइल हैं, बहुत सख्त ताकीद है वितर की, तो उसको आप कज़ा नहीं कर सकते। तो अगर रात को आँख खुलने का खौफ हो, खौफ ना हो कि पता नहीं आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, तो फिर आपको चाहिए कि ईशा की नमाज के साथ ही वितर पढ़ लें, फिर अगर आँख खुलती है तो तहज्जुद भी पढ़ें, तहज्जुद को ज़ाया ना करें। तो बेहतर यही है कि वितर सबसे आखिर में हो, लेकिन पहले पढ़ लिए तो भी बिला कराहत, बग़ैर किसी कराहत के नमाज़ पढ़ना जायज़, इसमें कोई मकरूह नहीं है।